अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। शुक्रवार शाम को नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुत्री नमिता भट्टाचार्य ने मुखाग्नि दी। केरल में 9 दिन से भारी बारिश और बाढ़ के चलते 165 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन और बाढ़ में गुरुवार को 30 लोगों की जान गई। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। वहीं केरल की बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत और बचाव कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तरी कश्मीर के कारलगुंड हंदवाड़ा में शुक्रवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई एक भीषण मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी शहीद हो गया। इस बीच हाजिन बांडीपोरा में मुठभेड़ के दौरान शरारती तत्वों द्वारा सुरक्षा बलों पर किए गए पथराव की आड़ में 4 आतंकी कथित तौर पर बच निकले। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे इमरान खान ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय क्रिकेटर्स को भी बुलावा भेजा था। हालांकि सभी क्रिकेटर्स में से सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ही इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इनमें आम से लेकर खास लोग शामिल थे। इन्हीं लोगों में स्वामी अग्निवेश भी शामिल थे, लेकिन वो अटल जी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। यहां पहुंचते ही अग्निवेश को लोगों ने पीट कर भगा दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नाम आने के बाद पद से इस्तीफा दे चुकी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर सीबीआई ने छापा मारा है। जानकारी के अनुसार मंजू वर्मा के अलावा सीबीआई ने राज्य के कई अन्य जिलों मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, मोतिहारी में भी छापेमार कार्रवाई की है। पाकिस्तान की संसद शुक्रवार को अपना 18वां प्रधानमंत्री चुनेगी। 25 जुलाई को हुए आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 116 सीट से जीत दर्ज, लेकिन इमरान समेत कुछ उम्मीदवारों के एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने की वजह से पार्टी को 6 सीटें छोड़नी पड़ी। अमेरिका का कहना है कि चीन तेजी से लंबी दूरी के बम वर्षक बेड़े का निर्माण कर रहा है और इसके पायलटों को संभवतः उस पर हमला करने का प्रशिक्षण दे रहा है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना 3 वर्षों से अधिक समय में बम संचालन क्षेत्र का विस्तार कर रही है और महत्वपूर्ण समुद्री इलाकों का अनुभव हासिल कर रही है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी चीन में सर्च इंजन ऐप लॉन्च करने के करीब नहीं है। जब भी हम ऐसी किसी योजना के करीब होंगे तो ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़ती जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गूगल की चीन में काफी दिलचस्पी है, इसलिए वे कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी नजर आई। दिन भर की तेजी के साथ दिन के अंत में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 285 अंकों की तेजी के साथ 37,947 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 85 अंकों की तेजी के साथ 11,470 के स्तर पर बंद हुआ।